ओए होए शर्मा गई का फोन। वेलकम बैक टू माय चैनल और आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे एक नए से वीडियो में। वेल गाइस, हम अभी कुछ काम से निकले थे, एक जगह जा रहे हैं, तो बस थोड़ा सा पास में ही एक जगह मिलता है यहाँ पे देखने को, जिसे भैया ने बताया कि यहाँ पे एक डंडा कौन नाम है ना भैया, हाँ डंडा कौन आश्रम एक है, उस नाम का एक जगह यहाँ पर काफ़ी अच्छा है कहते हैं देखने के लिए। फिलहाल हम उस गेट के पास ही है। एंटर करते हैं और दिखाता है कि आपको किस तरह का ये जगह देखने को मिलता है। ठीक, तो हमने कर लिया और पीछे आपका एंट्री गेट है। फिलहाल मैंने पूछा था वहाँ पर कि अंदर रिकॉर्ड करने के देंगे कि नहीं देंगे, पर उनका कहना यह है कि आगे में एक गार्ड रहते हैं, उनसे जाकर आप परमिशन लो, अगर वो देते हैं अलाउ करते हैं तो आप रिकॉर्ड कर सकते हो, अगर नहीं करते हैं तो भारी बार सूखे सूखे निकल चलो। सो फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट हम पहुँच चुके हैं टेम्पल के पास और यहाँ पर अभी एक गार्ड आते हैं, उनसे पूछना पड़ेगा कि वो अंदर रिकॉर्डिंग करने को देंगे कि नहीं देंगे। वेट कर रहा हूँ कि वो गार्ड कब तक आएंगे और परमिशन देंगे कि नहीं देंगे। अगर नहीं देते तो कोई नहीं, यू टर्न मारूंगा, पर इतना तो है कि मैं अंदर देख लूँगा कि क्या क्या चीज़ वैसे देखने को है। फिलहाल देखते हैं कि कब। चुका है हमें अंदर जाकर रिकॉर्ड करने का और अभी आपको एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ कि अंदर में आपको किस तरह का चीज़ देखने को मिलता है। फिलहाल काफ़ी अच्छा लगा, पहले मैंने एक गार्ड से पूछा, उन्होंने मना किया, फिर उसने अपने सीनियर को बुलाया, उसके बाद उन्होंने कंफर्म कर दिया कि आप जाकर रिकॉर्ड कर सकते हो और बता सकते हो इस टेम्पल के बारे में जो भी है। फिलहाल चलते हैं अंदर और एक्सप्लोर करके आपको दिखाता हूँ किस तरह का ये चीज़ आपको देखने को यहाँ पर मिलता है। सबसे पहले अपनी चप्पल को निकाल देता हूँ यहाँ पर और ये आपका एंट्री गेट रहेगा। फिलहाल ये देख रहे हो, यह आपका एंट्री गेट रहेगा स्ट्रेट आपको, और अंदर चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह का चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। फिलहाल ये एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पर रात को आपको काफ़ी अच्छा लगेगा क्योंकि हर जगह आपको यहाँ पर लाइटिंग्स लगे हुए हैं। अभी फ़िलहाल लाइट्स ऑन नहीं है तो उसके वजह से आपको सिंपल में देखना पड़ेगा। फिलहाल मैं इतना सब कंफर्म कर सकता हूँ कि रात को काफ़ी अच्छा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर और काफ़ी लोग यहाँ पर आए हैं जो कि एंजॉयमेंट कर रहे हैं, फ़ोटो वगैरह क्लिक कर रहे हैं, और हम अंदर चलते हैं और अंदर और आपको दिखाते हैं एक्सप्लोर करके कि किस तरह का आपको अंदर से देखने को मिलता है। फिलहाल वहाँ पर आपको देख रहे हो मेरे पीछे, वहाँ पर कुछ चेयर्स टाइप में बने हुए हैं, लगता है वहाँ पर पानी वगैरह कुछ वाटरफॉल्स लाइक उसे उस तरह का कुछ होगा। फिलहाल यहाँ पर कुछ फेस्टिवल होने वाला है, कल कुछ प्रोग्राम होगा ना यहाँ पर कह रहे थे, कुछ प्रोग्राम है कल, सो यहाँ पर शायद कुछ प्रोग्राम होगा कल और काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने को, तो पहले इसको कवर कर लेता हूँ, उसके बारे में कुछ आगे इसके बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि कल कुछ प्रोग्राम होगा तो उसके लिए यहाँ पर स्टेज बने हुए हैं और अंदर कुछ तैयारी चल रहा है, चले वो भी देखते हैं अंदर में क्या हो रहा है। इसके लिए यहाँ पर फ्लावर्स वगैरह तैयारी किया जा रहा है और उधर में भी गेट है, उधर भी जा सकते हैं और मेरे सर वहाँ पर खड़े हुए हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ से देखने के लिए। फिलहाल इसको अंदर से कवर करते हैं कि किस तरह का आपको यहाँ पर देखने को मिलता है अंदर। ये जो आपको टाइल्स वगैरह देख रहे हो ना, काफ़ी अच्छा लग रहा है, यहाँ पर चलने के लिए काफ़ी आराम एंड काफ़ी अच्छे से यहाँ इन्होंने मतलब पूरे साफ सफाई करके रखे हुए हैं यहाँ पर। एंड अंदर कुछ हो रहा है वहाँ मैं चलता हूँ और वहाँ कुछ बोलूँगा नहीं क्योंकि लोग कुछ मतलब शांति से कुछ क्या कहते हैं प्रे कर रहे हैं, सो चुपचाप मैं चलता हूँ वहाँ पर सिर्फ रिकॉर्ड करके और दिखाता हूँ कि एक्चुअली हो क्या रहा है। एंड गाइस जस्ट लुक एट दिस, वाह कितने अच्छे यहाँ पर माउंटेंस वगैरह देख रहे हैं आपको पीछे में, आपको शायद अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं उसको कवर करता हूँ और काफ़ी अच्छे से यहाँ पर अमेजिंग अमेजिंग गाइस, सो काफ़ी अच्छा लग रहा है और शांत जगह है तो दिल को भी सुकून मिल रहा है यहाँ पर आके। आपको यहाँ पर आके कैसा लग रहा है? फर्स्ट टाइम आया? मैं भी फर्स्ट टाइम ही आया हूँ। भाई ये बाहर से आया था लेकिन अंदर फर्स्ट टाइम आया।
भाई ये गुजरात के होते हुए मतलब जहाँ है ना, हमारे यहाँ से एक्चुअली 2 या 3 किलोमीटर की दूरी में ही है, तो वो फर्स्ट टाइम अंदर एंटर कर रहे हैं, कैसा भेज देती है आपको। तो चलिए काफ़ी अच्छा लग रहा है, और आगे एक्सप्लोर करते हैं। अंदर का जितना हो सका मैंने कवर किया, और यहाँ पर आपको स्टेयर्स देखने को मिल रहे हैं। आपको एक पीछे भी मेरे देखने को मिला हुआ, और एक ये स्टेयर आपको देखने को मिलता है। जो ऊपर देखते हैं कि ऊपर में क्या चीज़ आपको देखने को मिलता है और कैसा लगता है वहाँ से ऊपर देखने को। यहाँ पर बहुत सी मीनिंगफुल पिक्चर्स जो कि कह सकते हैं आप स्टेचू वगैरह वो बनाए हुए, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ऊपर में आपको एक नेट जैसा देखने को मिल रहा होगा, सो नेट लगाएं ताकि ऊपर कोई चिड़िया वगैरह जाकर गंदा ना कर सके। फिलहाल आप देख सकते हो यहाँ पर, और एक स्टेचू मुझे देखने को मिला है, ये स्टेचू इनका है, आप नाम पढ़ सकते हो। तो ये है यहाँ का एक स्टेचू जो कि आपको फर्स्ट फ्लोर में देखने को मिलेगा, और इसके बाद आपको यहाँ पर कोई भी फ्लोर देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ से आप बाहर देख सकते हो, सर्कल देख रहे हो, वो सर्कल काफ़ी ज़्यादा यूनिक लग रहा है मुझे। एंड तो यही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, छोटा है पर काफ़ी खूबसूरत और शांत, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। अगर मैं गलत ना हूँ तो यहाँ पर कुछ झरना टाइप का ये होगा, क्योंकि वहाँ पर पाइप लगे हुए हैं, उसके बाद नीचे में भी आप देखोगे पानी है। सो मेरे हिसाब से जब पानी आते होगी तो पूरे नीचे जाकर झरना टाइप में वो आपको देखने को मिलता होगा ये चीज़। सो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आई एम श्योर कि वो वही होगा। मैंने ऊपर का जितना हो सके वो तो दिखाया ही, साथ ही मुझे मतलब मैं ऊपर जब था ना तब मुझे ये ग्राउंड पर देखा, और मैंने आपको ये भी कवर करके दिखाया कि आपको अंदर में क्या देखने को मिलता है। सो यहाँ पर 3 शख्स का आपको यहाँ पर तस्वीर देखने को मिला होगा, और उनका नाम भी आपने देख लिया होगा। सो नाम भी नीचे मेंशन किया गया था, अगर आपने नोटिस नहीं किया तो आप देख सकते हो, तो वो लोग कौन है आपको पता चल जाएगा फिलहाल। और इतना तो कर दिया जितना हो सका, अब उधर में एक मैंने ग्राउंड टाइप का लाइक बैठने उठने के लिए जगह दिखा था, तो वो कैसा है उसको भी मैं कवर करता हूँ इन फ्यूचर। अगर कभी आप आते हो तो आपको पता रहेगा कि आप किधर बैठ सकते हो, किधर आपको क्या करना है, तो वो एक इजी रह जाएगा। सो मैं उसको भी वहाँ पर जाकर अभी कवर कर लेता हूँ, एंड उसके बाद यहाँ से चलेंगे वापस अपने घर। मैं इसी के बारे में बात कर रहा था, पर ये ज़्यादा कुछ खास बड़ा नहीं है। और यहाँ से आपको एक नीचे जाते हुए रास्ता देखने को मिलेगा, सो वहाँ पर कुछ रहने वाले रूम्स वगैरह है, तो वो इतना ख़ास आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिलहाल जो मैंने आपको एक बताया था जहाँ मैं आपको झरना टाइप में देखने को मिलता है, सो उसके नीचे कुछ रास्ते हैं कह रहे हैं यहाँ के लोग, तो उसको भी जाकर अंदर देखते हैं कि किस तरह का वहाँ पर देखने को मिलता है। आपको इसके अंदर वाला व्यू कैसा लगा वो बताइए, क्योंकि और एक चीज़ बता दूँ गाइस कि वहाँ पर बोलना भी मना है, मतलब ज़्यादा साउंड ईगो होगा इसके वजह से वहाँ पर बोलना भी मना है, इसके वजह से मैं वहाँ कुछ बोल नहीं रहा था। प्लस वहाँ पर अंधेरे भी ज़्यादा थे, तो इसके वजह से मेरा चेहरा तो कुछ भी दिखता ही नहीं। सो उसके लिए मैंने वहाँ पर बस आपको जितना हो सके अपने
हिसाब से रिकॉर्ड किया और आपको दिखा रहा हूँ। फिलहाल एक चीज़ बता दूँ, अभी तक मैंने ऑलमोस्ट सब कवर कर दिया और एक लास्ट चीज़ जो बाकी है वो उसको मैं देखता हूँ सामने से किस तरह का देखने को मिलता है और उसके अंदर क्या है वो तो वहाँ पहुँचने के बाद ही पता चलेगा। और उसके बाद यहाँ से हम चलेंगे अपने रूम वापस। फिलहाल एक चीज़ बता दूँ, काफ़ी लोग यहाँ पर आए हैं एंड एन्जॉयमेंट कर रहे हैं, फैमिली के साथ आए हैं तो काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे उन लोग को। जो बता रहा था आपको जैसे कि यहाँ पर कुछ पानी का सीन होगा, वेल देख सकते हो यहाँ पर पानी लगी हुई है पर अभी सारे बंद है। क्यों बंद है ये तो नहीं पता, पर एक चीज़ जो मैं क्लियर बोल सकता हूँ कि कल ये सब के सब खुले रहेंगे। तो आपको मैंने बताया था कि कल एक प्रोग्राम है जिसके वजह से ये सारे का सारे जो भी यहाँ पर एक्टिविटीज़ होते हैं वो सारे के सारे खुले रहेंगे। एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आपको यहाँ पर बैठने की सुविधा मिल जाएंगे। देखिए सब तरफ आपको चेस देखने को मिलते हैं और एक चीज़ उस तरह में भी आपका लाइक थोड़ा सा गार्डन टाइप में, तो वहाँ पर भी आप रिलैक्स करके बैठ सकते हो। और साथ ही उस तरह में मैंने आपको दिखाया था वहाँ पर भी आप रिलैक्स करके बैठ सकते हो, तो काफ़ी अच्छा है। और यही था आपका आश्रम जो कि वाजदा में आता है आपका। मैंने ये जितना एरिया था कवर कर लिया, उस तरफ भी मैंने आपको बताया था कि रूम देखने को मिलते हैं वो अलग है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ नीचे देखने को मिलता है, पता नहीं ये एक्चुअल क्या है, सो इसको मैं नीचे जाकर देखता हूँ और ये भी कवर करता हूँ कि क्या चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। फर्स्ट टाइम कोई बच्चे मेरे से दोस्ती करने आया है और हाय करो कैमरे में। हाय। सो ये लोग आए हैं और रिक्वेस्ट कर रहे थे। सो मैंने अपने पहले चैनल का नाम इन लोग पूछा, चैनल का नाम बताया और फ्रेंडशिप की है मेरे साथ, काफ़ी अच्छा है। सो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना, प्यार से बोले भैया आपका चैनल का नाम क्या, इतने प्यार से स्लो से बोल रहा तो अच्छा लग गया। फिलहाल अब यहाँ से चलने की बारी है। सो देंगे होए होए शर्म आ गई का। पर आपको ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पर, स्टोर रूम से एंड वॉशरूम आपका एंडिंग में पड़ेगा। सो इतना कुछ खास नहीं है नीचे वाला, बट आप हमें बताइए। मेरे हिसाब से तो ऊपर वाला जो मैंने दिखाया था आपको, जो मंदिर कहें या आश्रम कहें, वो देखा तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। एंड एक चीज़ काफ़ी अच्छा लगा कि वहाँ पर शांत है प्लस नीट एंड क्लीन, पूरे अच्छी तरह से साफ करके रखा है, जो कि बहुत सी जगह में आपको कमी चांसेस रहते हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अच्छे ब्लॉग्स लाता रहूँगा। सो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। बाय एंड टेक केयर।